अपने परिवार से दूर, अपने कल्चर से दूर, अपने शहर से दूर जब हम अपना नया घर बसाते हैं तो वो अपना घर, परिवार, अपना शहर सब कुछ बहुत याद आता है। हर पर्व त्यौहार में बस वापस घर जाने का ही मन करता है। शहरों के घरों में वो मिट्टी का लिपा पोता ही याद आता है। सेरेमिक और बोरोसिल के बर्तनों के बीच वो कांसा का बर्तन याद आता है। ड्राइंग रूम, जब भी हम कहीं बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले इंटर करते हैं ड्राइंग रूम में। क्वार्टर से पहले हम जिस घर में रहते थे ना, हमने इसके पहले हम दो बार शिफ्टिंग कर चुके हैं, वहां पे ऐसा था ना कि हमारे पास जो कुछ भी सजाने का था हम लोग उसी से ही अपना ड्राइंग रूम को सजाते थे। बट जब हम लोग क्वार्टर शिफ्ट हुए तो दिमाग में ऐसा था कि हम लोग जिस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसको थोड़ा सा इस क्वार्टर में, इस ड्राइंग रूम में थोड़ा सा संजो के रखना चाहते हैं, ताकि जब भी हम इंटर करें इस ड्राइंग रूम में तो लगे कि हाँ, ये एक ट्राइबल फैमिली का, एक ट्राइबल कपल का घर है। तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है। ये अब तक का मेरा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेकओवर है। इसके पहले कोई मेकओवर ऐसा था नहीं, हाँ बस घर सजाते थे, बट जो प्रॉपर मेकओवर होता है, पेंटिंग से लेके जो भी डेकोरेशन वगैरह, वो हमने इस क्वार्टर में ही आके किया है। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग इस ड्राइंग रूम को किस तरीके से अपना जो है थोड़ा सा ट्राइबल इफेक्ट डाला है इस ड्राइंग रूम में। जो भी सामान है, जो भी इसका वॉल वगैरह है, हमने थोड़ा सा ट्राइबल रखने का कोशिश किया जिस हद तक हम कर सकते थे। कोई भी सामान हमने इसमें, इस रूम के लिए हमने परचेज नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी था। कुछ कुछ हम लोग घर से लेके आए थे, कुछ कुछ जो ऑलरेडी एक सांथाल फैमिली के घर में होता है, वो सब सामान हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते थे, बट अब उसको एज अ डेकोरेशन यूज कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट मेकओवर हो सकता है, शायद ही किसी ने किया होगा, बट ट्राई किए हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस मेकओवर में हमने कितना मेहनत किया है। शुरू तो हमने भी एक वाइट कमरे से किया, जी हाँ कमरा, क्योंकि इसको अभी घर बनाना बाकी है। वाइट कमरा जो बिल्कुल हमारे लिए एक वाइट कैनवास की तरह है। गांव का मिट्टी वाला इफेक्ट के लिए हमने बिल्कुल लाइट शेड लिया है। हम चाहते थे हमारी पहचान हमारे इस ड्राइंग रूम में दिखे, हम कहां से बिलोंग करते हैं वो इस रूम में झलके। इस मिट्टी कलर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बीच में हम दोनों कुछ पैटर्न बनाने का सोचे हैं जो बिल्कुल हमारे गांव में बनाया जाता है। क्योंकि ये शहर है तो थोड़ा सा इसके साथ मॉडर्नाइजेशन ऐड करेंगे। हम दोनों को ये वॉल पेंट बिल्कुल नहीं आता है, हमारे लिए ये भी बहुत नया है, बट काफ़ी मज़ा आया इसको करने में। जब अपने हाथों से अपना घर सजाते हैं ना, वो घर कुछ और तरीके का ही सुंदर लगता है। बीच का जो स्पेस छोड़ा है हमने, उसमें हम पिंक पेंट करेंगे। उसके अंदर हमने वर्ली आर्ट के कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। वर्ली आर्ट बेसिकली ट्राइबल पेंटिंग होता है जो ट्राइबल के डेली लाइफ के बेस्ड पे होता है। तो वर्ली आर्ट के हमने कुछ स्टेंसिल्स अमेजोन से मंगाए थे, तो उसको ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट करने से पहले सारे चीज़ों का मेज़रमेंट ले लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। वर्ली डिज़ाइन को हमने ब्लू से पेंट करने का सोचा है, ताकि पिंक के साथ ब्लू पेंट उभर के आएगा। थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए इसमें वाइट बॉर्डर भी ऐड करेंगे। ड्राइंग रूम में ही ये कबर्ड है जो वॉल के साथ फिक्स है। बिल्कुल सामने में है ये कबर्ड, तो इसको हम लोग ये एक एडहेसिव वॉलपेपर से कवर कर देंगे। दो वुडन प्लैंक्स थे हमारे पास, इसको हम लोग वुडन फिनिश वाले वॉलपेपर से कवर कर दिए हैं। फिर इस पे हम वॉल ब्रैकेट्स लगा देंगे, ताकि ये हमारे वॉल के लिए एक अच्छा सा शेल्फ तैयार हो जाए। मेरे पास ये एक पुराना MDF ट्रे था, इसको रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें जैसे उसे कोट कर दिए, देन सूखने के बाद यहाँ मेरे पास डेको ट्रांसफ़र शीट है जिसमें अगेन वर्ली आर्ट डिज़ाइन बना हुआ है, उसको यूज़ करेंगे।
यूज़ करना बहुत आसान है, बस इसको बेस पे चिपका के वाटर से डैब डैब करने के बाद ऊपर वाला पेपर रिमूव कर देंगे। वॉल पेंट हो जाने के बाद फिर भी कुछ मिसिंग सा लग रहा था, फिर हमने अपना स्टेंसिल का जो ख़जाना है उसमें से एक बॉर्डर वाला स्टेंसिल निकाला, और डाइनिंग रूम में जो हमने जिस कलर से ब्रिक्स को पेंट किया था उसी कलर से हम लोग बॉर्डर बना दिए। तो ऐसे ही हर दिन थोड़ा थोड़ा करने के बाद हमारा ये जो ड्राइंग रूम तैयार हुआ है, तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं। जोहार, बुलबुल कपल के घर में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, डोर को हमने कोई पेंट नहीं किया है, ये ऑलरेडी वाइट में है तो अच्छा लग रहा था तो हमने उसे पेंट नहीं किया है। यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड वाला जो वॉल है ना, इसको हमने फुल चेंज कर दिया, ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर का था, फिर हमने इस पे वाइट पेंट किया। उसके बाद फिर हमने इस टाइप का जो है मस्टर्ड कलर का वॉल पेंट किया है, थोड़ा सा जो मिट्टी का इफेक्ट होता है ना वो मिट्टी का इफेक्ट हम लोग थोड़ा सा देने का कोशिश किए हैं। क्रीम कलर का वॉल पेंट है, यहाँ पे हमने अपना छोटा सा जो है की चेन हैंग किया है, जो रेगुलर बेसिस पे हमें जो चाबियों का ज़रूरत होता है वो हम लोग यहाँ पे हैंग किए हैं। बेस्ट पार्ट अगर इस रूम का बोला जाए तो ये हमने यहाँ पे स्टेंसिल से ये पैटर्न बनाया है। सांथाल में जैसे घर में जो होता है ना भीत पोताओ, जो सोहराय के टाइम में हम लोग करते हैं, या आप किसी भी सांथाल फैमिली के घर पे चले जाएंगे ना तो इस टाइप का आपको पेंटिंग दिखेगा जो लोग घर में किए होते हैं, तो वही चीज़ हमने थोड़ा सा यहाँ पे करने का कोशिश किया है। थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से स्टेंसिल वगैरह यूज़ करके हम लोग किए हैं। वॉल पेंटिंग के बाद बहुत बड़ा सा वॉल हमारे पास खाली था, हमें समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हैंग किया जाए। फिर हम लोग रिसेंटली चांदनी चौक गए थे, वहाँ से हमने ये वाला जो है वॉल फ्रेम खरीदा है, ये 3 पीस का सेट है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ट्रेडिशनल लुक आ रहा है, वॉल के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन उठ के आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है। ड्राइंग रूम काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन रखा है ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, डार्क पेंट होने से ना रूम थोड़ा सा छोटा लगता है। फिर ये पार्ट हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हमारा जो है 3 सीटर सोफ़ा है, सोफ़ा के ऊपर हमने बस ऐसे ही जो नॉर्मल कवर होता है वो लगाया है। कॉर्नर पे आते हैं, कॉर्नर पे मेरे पास दिमाग में था कि कुछ यहाँ पे लैम्प लगाएं, हमारे पास एक लैम्प था भी बट हमें वो उससे भी काम चल जाता, बट हम एक दिन सदर बाजार गए थे, भागीरथ पैलेस गए थे, वहाँ पे ये लालटेन मिला, और ऑब्वियसली अब लालटेन का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है, पहले ज़माने में लालटेन हुआ करता था, बट अब क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक लालटेन है, लाइट है इसके अंदर, लैम्प है, लैम्प का काम करता है, ये हमने परचेज किया है, और ये शायद आप कह सकते हैं वन ऑफ माई फेवरेट परचेज है। मतलब ये सडनली दुकान में दिखा और मेरे दिमाग में आया नहीं बस ये लेना ही लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ ना बहुत रेयर मिलता है। तो फिर ये लालटेन हमने यहाँ पे लगाया, बहुत अच्छा भी दिख रहा है, मतलब जो हमारा थीम है ना इस रूम का, थीम के अकॉर्डिंग ये बहुत मैच कर रहा है। कॉर्नर पे ना लैम्प के ऊपर में हमारा जो है ट्राइबल वॉच, ट्राइबल घड़ी है हमारा, वो हम लोग रखे हैं, तो बहुतों को ट्राइबल वॉच देखने का आदत नहीं है तो इसलिए हमने जो मैनुअल वाला घड़ी है वो भी लगाया है रेफरेंस के लिए, अगर किसी को देखने का होगा तो। साइड में अगर आप ये बटरफ्लाई देख रहे हैं ना, ये बटरफ्लाई लगाने का रीज़न ये है, ये अब नहीं मिलता है, जो प्रॉपर गाँव के जो हार्ट वगैरह होता है ना वहीं पर मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो ट्राइबल घरों में ये अभी भी मिलता है, क्योंकि गांव के घरों में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग डेकोरेशन नहीं करते, तो ये छोटा छोटा चीज़ से हम लोग डेकोरेशन वगैरह किया करते थे पहले। ये भी मेरे पास था तो ये भी लगा दिए यहाँ पे। उसके नीचे अगर आए ना लैम्प के बिल्कुल बगल में, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट हम लोग रखे हैं, अच्छा दिखता है, ग्रीनरी के साथ थोड़ा सा ऐड होता है डेकोरेशन। कॉर्नर के वॉल के बाद यहाँ पे हमारा विंडो है,
विंडो के सामने हम लोग अपना जो है सोफा का हम बेड रखे हैं। अगेन इसमें भी कवर लगाया है जो सोफा के साथ मैच करता है। अब आते हैं ये वाले साइड में, जो अगेन आप कह सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट कॉर्नर है, जो ओरिजिनल जो ट्राइबल इफेक्ट जो लाता है इस जो मेकओवर में, इस पे आते हैं। मेरे पीछे में आपको दो शेल्फ दिख रहा होगा। ये शेल्फ एक्चुअली पता है जो लकड़ी का पट्टा होता है ना, हमने उससे शेल्फ बनाया है। ऑलरेडी था तो हमने शेल्फ परचेज नहीं किया है। शेल्फ में हमने जो ऊपर वाला शेल्फ है, तो ऊपर वाले शेल्फ में ना जो हमारा ट्राइबल का डेली लाइफ होता है उसका छोटा छोटा हमने जो आर्टिफैक्ट्स होता है वो लगाया है, जो नॉर्मली किसी भी मेला वगैरह में मिल जाता है, हम लोग भी मेला से ही खरीदे थे। ये तीन यहाँ पे रखे हैं, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है और तो ऐसे नेचुरल मटेरियल का भी बना हुआ है ना, तो अच्छा भी लगता है। शेल्फ के नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे एक फ्रेम लगाए हैं जो हम लोग फरीदाबाद सूरज कुंड मेला था ना, वहां से हमने खरीदा था, जो ट्राइबल डांस करता हुआ पेंटिंग है ये हम लोग लगाए हैं। उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे सबसे कॉर्नर में, ये बास्केट है जो बिल्कुल हैंडमेड बास्केट है, ये आपको नॉर्मली किसी भी गांव के हाट वगैरह में मिल जाएगा। इसके अंदर हमने अपना जो है बांसुरी रखा है, मोर का पंख रखा है। बांसुरी हर संथाल फैमिली के घर पे आपको मिलेगा, जिसको हम लोग संथाल में तिरियो बोलते हैं, ये हर संथाल फैमिली के घर में आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमारे घर में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हमने वो रखा है। उसके बाद फिर जो डेली लाइफ का सामान होता है ना, वो हम लोग यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर हम चौक से लिखे हैं, जो हमारा संथाल स्क्रिप्ट है ओलची की, उससे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे जोहार। जोहार का मतलब होता है वेलकम, या किसी को भी हम लोग ग्रीटिंग करते हैं ना, तो जोहार से ही ग्रीटिंग करते हैं, वो लिखे हैं। उसके बगल में यहाँ पे एक जीजी प्लांट है, ऑब्वियसली डेकोरेशन के साथ ग्रीनरी थोड़ा ऐड करना जरूरी है। ये प्लांटर ना बिल्कुल ब्लैक कलर का था, इसके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्राइबल का जो टैटू स्टिकर कह सकते हैं वो लगा हुआ है। उसके ऊपर में यहाँ पे ये फैन, ये भी आपको मैक्सिमम हर ट्राइबल फैमिली के घरों में आपको ये मिलेगा। ये एकदम ऑथेंटिक जो गांव में मिलता था ना, ये वो वाला फैन है। मेरे पास भी दो था, ऐसे रखा हुआ था, तो सोचे क्यों ना इसको कुछ डेकोरेशन पर्पस से भी यूज किया जाए, ये यहाँ पे रखे हैं। इस तरफ अगर आते हैं, अगेन यहाँ पे एक पेंटिंग है जो रिसेंटली हम लोग शांति निकेतन सोनाजुड़ी हाट से खरीदे थे। अगेन ये एक ट्राइबल डांस करता हुआ पेंटिंग है। उसके ऊपर वाले शेल्फ में जो हमारा डेली बेसिस का जो कांसा का बर्तन होता है ना, वो यहाँ पे लगाए हैं, दिखने में काफी सुंदर लगता है। छोटा सा यहाँ पे प्लेट है, दो प्लेट है, दो ग्लास है। ये है जो संथाल में या ट्राइबल में चावल इसे मेजर करते हैं, ये यहाँ पे रखे हैं। हमारा यहाँ पे लोटा है, कांसा का लोटा है, जिससे हम हर गेस्ट को वेलकम करते हैं लोटा पानी देके। ये वाला चीज अगर आप पहचान पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिबर, हिंदी में अगर बोले तो डिबरी बोलते हैं शायद इसको। ये पुराने जमाने में घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, ये तब यूज होता था। इसके अंदर केरोसिन डाल के यहाँ से बाती निकलता था, फिर ये जलता था। ये लगाइए, अब के जमाने में ना बिल्कुल खत्म सा हो गया है। मतलब अभी भी मार्केट वगैरह में अगर पूछने जाओगे ना आप, ये डिबरी ये आपको मिलेगा नहीं। तो हम लोग को बहुत मुश्किल से मिला, तो मिला भी तो ये बहुत सुंदर, बहुत हेवी है ये यहाँ पे रखे। तो ये प्रॉपर जो एक संथाल फैमिली के घरों में होता है ना वो है, तो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये छोटा छोटा जो है बांस का बना हुआ छोटा छोटा टोकरी है, ठेका है, इस टाइप का मिनिएचर इसको कह सकते हैं। ये बहुत साल से, आई थिंक 2-3 साल से ये मेरे पास पड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली पड़ा हुआ था, इसको कैसे यूज करना समझ में नहीं आता था। तो जब ये थीम जब क्रिएट हुआ ना, तो लगे हाथ ये भी यहाँ पे लग गया, दिखने में काफी सुंदर लगता है। यहाँ पे कर्टेन लगाए हैं, कर्टेन के उस तरफ जो है हमारा बेडरूम डाइनिंग रूम वो सब आता है।
ये वाले वॉल पे अगर आएंगे, ये वाला वॉल बेसिकली हमने डेडिकेट किया है जितने भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनको हमने डेडिकेट किया है, उनका फोटोज हमने फ्रेम करा के यहाँ पे लगाया है। तो फ्रेम को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने जो है ऊपर में फोकस लाइट लगाया है, दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये सब फोटोज वगैरह ना, अगर आप अपने घर में शोकेस नहीं करोगे ना, तो आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो उसी तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा शोकेस करने का कोशिश किए हैं। ये लास्ट वॉल है इस रूम का। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, अगेन हमारा कवर्ड है जो कि बहुत बुरे कंडीशन में था, और वाइट कलर का इसका दरवाजा था, समझ भी नहीं आ रहा था इसको क्या करना है। दरवाजा रिप्लेस कर सकते थे बट ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा। हम लोग ने क्या किया, इसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया। कुछ ऐसा ट्राइबल वॉलपेपर मिला नहीं, बट ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। ये हम लोग शायद लेके आए थे मिस्टर DIY से। बीच में मेरा सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल के ऊपर में ये जो जूट का मैट होता है वो लगाए हैं। जूट का कोस्टर सेट है, एक ट्रे है यहाँ पे वुडन। अगेन ये ट्रे हम रिसेंटली बनाए हैं, इसके अंदर जो है थोड़ा सा ट्राइबल वाला पेंटिंग है। छोटा सा यहाँ पे एक फ्लावर वास रखे, ज्यादा कुछ रखे नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा हमने सजाया है इस ड्राइंग रूम को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश किए हैं थोड़ा सा ट्राइबल इफेक्ट लाने का, कि कोई भी घर में इंटर करे तो उसको थोड़ा सा फीलिंग आए कि हाँ एक ट्राइबल फैमिली के घर में आए हैं। और रिसेंटली हमारे घर में गेस्ट भी आए थे, तो वो लोग भी देख के थोड़ा सा अप्रिशिएट बहुत किए कि अब लग रहा है किसी सांताल फैमिली के घर पे आए हैं। बहुत ज्यादा होता है ना, अपने घर जैसा फील होता है यहाँ पे वैसा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक करना, शेयर करना, और द मुर्मू कपल चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।